है ना? आ, चॉकलेट खाएंगे ना? नो थैंक्स। ओह, शुगर है क्या? तो फिर? ओहो, अच्छा समझ गई। मिसिंग योर सन। आ जाएगा अंकल, आप उसे इतना मिस कर रहे हैं, तो वो मिल जाएगा। सच में इकलौता बेटा है ना, अचानक। मैं भी इकलौती हूँ, मेरी मम्मी पापा को भी इसी तरह तकलीफ हो रही होगी ना। रो मत बेटी, सब ठीक हो जाएगा। एक बार उन्हें फोन कॉल करके बात कर लोगी तो दिल हल्का हो जाएगा। अच्छा, इतना इजी है क्या? हाँ। तो फिर आप क्यों इतना दुखी हो रहे थे? हाँ? हम सोचते हैं मगर वैसा होता नहीं है। हमारे हाथ में नहीं होता अंकल, हम कुछ बदल नहीं सकते, इसलिए याद करके इस पल को बेकार मत कीजिए। हाँ, पार्टी करेंगे क्या? हाँ बोलिए। हम जीनियस हैं अंकल। तुम तो मुझे यहाँ पर लेकर आ गई, पर पता नहीं वो इस वक्त कहाँ पर होगा। उसे इस तरह से छोड़कर आ गया हूँ, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचता होगा, कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। देखते। वैसे तुम क्या कह रही थी? सो गई बेचारी। मोबाइल में सिग्नल ही नहीं है, कैसे कांटेक्ट करूं? एक्सक्यूज मी, क्या मैं एक फोन कर सकता हूं? बोर्ड नहीं देखे का? प्रीपेड है, 100 रुपया दो, आप फोन करो। देखिए बात समझने की कोशिश कीजिए, कुछ अर्जेंट है। तो ठीक है, नोट दीजिए, कर लीजिए। सर, मैं और मेरे पापा यूएस में रहते हैं, कुछ दिन पहले यहाँ आए, और अब यहाँ पर ना तो फोन में सिग्नल है और ना ही एटीएम में कैश है, मेरे पास पैसे भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मेरी वॉच ले लीजिए या फिर मेरा मोबाइल फोन रख लीजिए। घड़ी मोबाइल से कोनो मतलब नहीं है, पैसा दो और फोन करो। देखिए आपको बाद में जितना चाहिए मैं आपको दे दूंगा, प्लीज मुझे एक कॉल करने दीजिए। गो। थैंक्स। ए, अंदर तो कोई फोन ही नहीं है। तुम्हारे पास है? हाँ है। निकालो, सिग्नल है क्या? नहीं है। अब अंदर जाओ। सिग्नल आया का? हाँ आ गया। तो अब बात कर लो। बात हुई आपकी? नहीं बात नहीं हुई, इंगेज्ड आ रहा है। ओह, दोबारा ट्राई कीजिए। हाँ मैं बाद में कर लूँगा। आप सर अपना फोन देंगे? श्योर। एक मिनट। हेलो मैडम। हेलो रम्या, मैं अंजलि। कहाँ है तू? ये बताओ कॉलेज का रीओपनिंग कब है? 2 वीक के अंदर ही रीओपनिंग है। ठीक है मैं आ जाऊंगी, मेरे घर से फोन आए तो मैनेज कर लेना। ओके। थैंक्स। इट्स ओके। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, और तब मुझे लगा कि जिसने मेरी मदद की है क्यों ना मैं उसे ही फॉलो करूं। Hey, stop. Cool. Um,
क्या है, फॉलो कर रहे हो? नहीं, मैं तो पास के विलेज में जा रहा था। ऐसा है? हाँ। ठीक है जाओ। हाँ। जाना था ना तुम्हें, जाओ। क्या यार, वो जो तुम कर रहे हो ना उसे फॉलो कहते हैं। क्या बात है? देखिए आप मेरी प्रॉब्लम समझ नहीं पाएंगी, मेरा कार्ड भी काम नहीं कर रहा है। एक्चुअली क्या है, मैं और मेरे पापा यूएस से आए हैं। यूएस? मैं उन्हें समझ नहीं पाया और मैं अकेला ही होटल से निकल आया, और अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे मिलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब वो मेरे साथ नहीं हैं तो उनकी वैल्यू समझ में आ रही है। कौन है आपके पापा? उनका नाम गोपी कृष्णा है, यूएस में उनका बिजनेस है। गोपी कृष्णा? गोपी कृष्णा, वेट जस्ट अ मिनट, आई विल शो यू हिज पिक। ओह, तो तुम ही वो लड़के हो। मतलब कि तुम उन्हें जानती हो? इफ यू डोंट माइंड, तुम मुझे वहां पर लेकर चलोगी क्या? क्यों नहीं, चलो चलो। बेचारे बुजुर्ग इंसान है तो सोचा कंपनी दे दूं, पर वो हर बार आपकी ही बात कर रहे थे। मैं तो एकदम बोर हो गई, इसीलिए मैं उनको छोड़कर चली आई। लास्ट टाइम इसी जगह मिली थी मैं उनसे। मुझे जीतने की बड़ी चाहत थी, हारना पसंद नहीं था, और मैं बस जीतता चला गया। लेकिन मैं जिंदगी में पहली बार हारा हूं। मैंने जिंदगी में जो खोया है मैं उसको वापस पाना चाहता था। अब मेरी जिंदगी का मकसद वही था, इसलिए मैं चाहता था कि जिंदगी के आखिरी सफर में कार्तिक मेरा हमसफर बने। मैं जहां हारा था वहीं उसे खड़ा करके उसको जीतते देखना चाहता था। चलते हुए कभी पीछे पलट कर नहीं देखा कि कहीं गिर न जाऊं, इसलिए जीतने के लिए आगे बढ़ता चला गया मैं। तुम्हें अपनी तरह देखना चाहता था, इसलिए मेरे स्वार्थ ने मुझे ऐसा बना दिया। तुम मेरे हाथ से निकल जाओगे इसलिए नहीं, तुम्हारी जिंदगी बनाना चाहता था, और इस सिलसिले में मेरे हाथ से बहुत कुछ फिसल गया। जिंदगी में पलट कर देखने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है, लेकिन मुझे मिला। मुझे अपनी गलती को सुधारने के लिए मौका मिला, और उस गलती को सुधारने के लिए मैंने तुम्हें अपना हमसफर चुना है। शादी के बाद मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं दिया, लेकिन इस आखिरी वक्त में मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं इस बात का तुम्हें एहसास दिलाना चाहता हूं। गौतमी की भगवान के प्रति कितनी भक्ति थी ये तो आप जानते ही अच्छी तरह से, जरूर उसकी आत्मा कहीं आसपास ही होगी, आई एम श्योर। जिंदा थी तो उसके प्रति अपने प्यार का कभी इजहार नहीं कर पाया मैं। सुबह उठने के बाद हम एक दूसरे को देख के मुस्कुराते थे, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे सच्चाई नहीं थी। सच्चाई तो हमारे बचपन में थी, और आज मैं वही खुशी देखना चाहता हूं तुम्हारे चेहरे पे। कलीम पाशा मेरा दोस्त, आज मैं जो कुछ भी हूं, मेरा जीके ग्रुप सब उसकी वजह से ही है। उसकी सहायता से ही मैं यूएसए पहुंचा, पर वहां जाने के बाद मैं उससे कभी नहीं मिला। उसके लिए मुझे माफ कर दो दोस्त, बहुत बड़ी गलती की मैंने, माफ करेगा ना मुझे? भागते हुए समय को और बहते हुए पानी को अपने बस में कर लेने की चाहत एक भ्रम है। वक्त अपने हिसाब से चलता है और बहते हुए पानी को हम पकड़ नहीं सकते। ये वक्त ही है जो हमारे दिल में बीते हुए पल को छोड़कर चला जाता है, और ऐसे ही बीते हुए पल समंदर की लहरों की तरह बहते रहते हैं। आप सोच रहे हैं कि शायद ये कहानी मेरे बारे में है, लेकिन सच तो ये है कि ये कहानी मेरे बारे में नहीं है, मेरे पिताजी के बारे में है। यहाँ सात समंदर पार अमेरिका में एक देश जो पूरी दुनिया पर राज कर रहा है, वहाँ बिजनेस शुरू करके बिजनेस वर्ल्ड में राज कर रहे हैं। बात कुछ समय पहले की है जब मैं बहुत अजीब हुआ करता था। मेरे फ्रेंड्स, इमोशंस, अटैचमेंट्स, सब कुछ मेरे बिजनेस से ही था। ऐसी ही परवरिश की थी मेरे पिताजी ने। और एक दिन अचानक सात समंदर पार इस देश में लाकर मुझे छोड़ दिया था, और तब शुरू हुई थी मेरी कहानी।
हाँ कैटरिन। आपके डैड मीटिंग के बीच में अचानक बेहोश हो गए। हम उन्हें लैंगॉन अमेरिकन सेंटर ले जा रहे हैं सर। उनके साथ वक्त बिताने के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। गुड मॉर्निंग मिस्टर गोपी कृष्णा। तो आप कैसा फील कर रहे हैं? हमने आपकी रिपोर्ट्स देखी है और हमें पता चला है कि आपको माइलो एक्लुकेनिया नाम की बीमारी है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, पर मैं आपकी सिचुएशन समझ सकती हूँ। पर मिस्टर गोपी कृष्णा, आपको हिम्मत रखनी होगी। मरने वाला हूँ मैं? मेरे बचने की अब कोई उम्मीद नहीं है। मरने वाला हूँ ये बात मुझे अब हर पल मार रही थी। इतने दिनों तक मैंने अपनी मेहनत से जो पैसे, नाम, स्टेटस कमाए, सब कुछ बेकार है। अब जीने के लिए मुझे जो चाहिए, क्या है वो? ऐसे क्यों रुक गए आप? अंदर आइए, मैं अच्छा सा म्यूजिक प्ले करती हूँ। खेल सकता थोड़ी देर बाद। प्राधिकार पत्र, सीईओ मिस्टर नील। ये क्या चल रहा है डैड? अच्छा, शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या ये सब कुछ? क्योंकि मैं छुट्टियों पर जा रहा हूँ। ठीक है जाइए, पर ये सब कुछ क्यों? क्योंकि किसी को तो ये सब देखना पड़ेगा ना। उसके लिए तो मैं हूं ना। हाँ बिल्कुल हो, पर मैं तुम्हें इससे भी कोई एक बड़ा टास्क देना चाहता हूँ। इससे बड़ा टास्क और क्या हो सकता है? इस हॉलीडे में तुम मुझे ज्वाइन करने वाले। डैड कम ऑन। कम ऑन डैड, हाउ कैन यू डिसाइड व्हेन आई एम गोना गो ऑन वेकेशन? पर तुम मेरे साथ हॉलीडे पर आ रहे हो, ये पक्का है। और कार्तिक, मुझे एक छोटा सा डाउट है। बिजनेस बिजनेस, तुम हर समय ये बिजनेस की बात करते हो, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हो, पर बिजनेस का जो बेसिक प्राइमरी रूल है वो शायद तुम भूल रहे हो कार्तिक। एंड अकॉर्डिंग टू मी, अ परफेक्ट आइडियल बिजनेसमैन बिलीव्स देयर आर नो परफेक्ट लंचेस इन द वर्ल्ड। ट्रस्ट मी। सो अगर तुमने कोई सर्विस दी है या ली है तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, है कि नहीं? अब तुम्हारे केस को देखते हैं। तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया और तुम्हें इन सब के लिए तैयार किया, ये सब भी तो आखिर सर्विसेज है। लेकिन मुझे क्या मिला इन सब के लिए? Sounds very selfish, but
मैंने क्या डिसाइड किया है कि अपनी लाइफ के मुझे 30 दिन चाहिए, जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया उसके एवज में सिर्फ 30 दिन दे दो बस। तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे मेरे साथ चलना होगा, मेरी जर्नी में साथ देना होगा तुम्हें, बस आई विल बी हैप्पी। डील? चीयर्स, गिव मी 5। चीयर्स मैन। ये डैड को क्या हो गया सडनली? भूमिसुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातमः। ब्रह्मा मुरारिः स्त्रीप्रान्तकारी भानुः शशी। भूमिसुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। आरती ले लो। क्या हुआ पंडित जी, ऐसे क्यों देख रहे हैं आप मुझे? सडनली इतनी भक्ति मुझ में कहां से आ गई, यही सोच रहे हैं ना आप? ये भक्ति है या क्या है मुझे पता नहीं। गौतमी की भगवान के प्रति कितनी भक्ति थी ये तो आप जानते ही अच्छी तरह से। जरूर उसकी आत्मा कहीं आसपास ही होगी, आई एम श्योर। जिंदा थी तो उसके प्रति अपने प्यार का कभी इजहार नहीं कर पाया मैं। इस तरह मुझे मंदिर में देखकर शायद उसकी आत्मा को थोड़ी शांति मिल जाए, एक छोटा सा विश्वास है। आता हूं पंडित जी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज्ञा दीजिए। पता नहीं ये क्या करना चाहते हैं। चलो। एकदम बेकार हो गई है मेरी जिंदगी। जवान बेटा कोई काम नहीं करता, एक पैसा नहीं कमाता है, बाहर का कचरा भी मुझे साफ करना पड़ता है। जिंदगी कचरे जैसी हो गई है। क्या आप... है मेरा घर साफ नहीं देख सकते आप लोग जो बीच में आके खड़े हो गए? अरे थोड़ा साइड में खड़े हो जाओगे तो कोई ना कोई मूर्ति समझ के हार चढ़ा देगा। चलो निकलो यहाँ से। देखिए मैं ओहो गोपी। गणपति का चंदा मांगने आए हो? देखो भाई पूरे गांव के लोग मुझे चंदा देंगे ना तो भी मेरी जिंदगी नहीं बदलने वाली, और तुम लोग मुझसे चंदा मांगने आ गए। चलो चलो निकलो यहाँ से। शर्म नहीं आती, इतना समय और पैसा नहीं है मेरे पास। चलो जाओ यहाँ से। ये चंदा मांगना भी गंदा हो गया है। ऐसे कपड़े पहनकर जाए तो कोई भी चंदा दे देगा। और तू देख जरा इनको, कुछ सीख, सीख इनसे कुछ। अरे कुछ काम नहीं कर सकता तो कम से कम चंदा मांगना तो सीख ले। क्या जगह है ये, यहाँ आके मैं क्यों फंस गया? होटल पहुंचकर बात करता हूं। मैं यहां आकर पछता रहा था, सोचा पापा को समझाकर यहां से निकल जाऊंगा। बहुत देर उनका इंतजार किया पर वो तो आई नहीं, फोन भी नॉट रीचेबल था। वेट करने की ताकत नहीं थी तो मैंने यहां से निकल जाने का फैसला किया और जल्दबाजी में उन्हीं का बैग लेकर निकल गया। रिवर में सुसाइड करना चाहते हो? हाँ हाँ, क्या सोच रहे हो फिर? हेल्प चाहिए। ए, एक मिनट रुको। हाँ रुकती हूँ। मैं यहाँ खड़ा कुछ सोच रहा था, तुमने आकर धक्का क्यों दिया? क्या सोच रहे थे? पर्सनल है तो मत बताइए, पर कहते हैं कि दूसरों से दिल की बात शेयर कर लेनी चाहिए। और कोई ना हो तो? इम्पॉसिबल अंकल, दुनिया में किसी को भी अपना समझ के बता दीजिए। ऐसे कैसे समझ लें? समझना पड़ता है, आप मुझे अपना ही समझ लो। अपना दर्द बांट लीजिए मुझसे, दिल हल्का हो जाएगा अंकल। जल्दी, देर मत कीजिए। मेरा एक जवान बेटा है। बाप और रे वो... बाप, सारी जायदाद हड़प कर घर से निकाल दिया क्या? तुम मुझे बोलने दोगी? देखो मुझे तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए, जब तक मैं अपनी बात पूरी न कर लूं तब तक तुम बीच में बिल्कुल नहीं बोलोगी। थोड़ा मुश्किल है पर ओके, ट्राई करूंगी। मैंने अपने बेटे को बेटे की तरह नहीं पाला, एक बिजनेसमैन की तरह पाला है, और वो आज तक सिर्फ प्रॉफिट लॉस गिनते हुए ही बड़ा हुआ है। प्यार, अपनापन, स्नेह, लगाव, इन सब जैसी चीजों की उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है और शायद मुमकिन भी नहीं है। मेरी तरह वो रहे मैं ये चाहता था, पर मेरी तरह अकेला हो जाए ये कभी भी नहीं सोचा था मैंने आज तक। मैं उसे वो नहीं देना चाहता था जो जिंदगी आज मैं उसे इस दुनिया में जीते हुए देख रहा हूँ।
मैं उसे अपना 25 साल पुराना परिवार देना चाहता था। अब मैं उसे अपने उस पुराने परिवार तक कैसे लेकर के जाऊं, यही सोच रहा हूं। कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है, कोई बात नहीं, सॉल्व हो जाएगी, आप आइए। रुको बेटी, आ रहा हूं मैं भी। एक्सक्यूज मी, यहाँ आसपास कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट है क्या? यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कहीं कार्ड इस्तेमाल होता है? मुझे कुछ नहीं पता। कार्ड से यहाँ कुछ नहीं होगा भाई, ये छोटी जगह है। भाई लगता है तुम्हें भूख लगी है। अरे नहीं नहीं, अरे शर्माओ मत यार। लेकिन मैं, अरे घर पे चलो साथ में खाना खाते हैं। श्योर? हाँ भाई चलो। मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ, जाऊँ कि नहीं। अरे क्या सोच रहे हो, चलो। पक्का कोई दिक्कत नहीं होगी ना? मत आओ, चलो। मुझे वहाँ अंदर नहीं जाना। तुम बहुत शर्माते हो भाई। जूते निकाल लो। सॉरी माँ, जरा खाना लगा दो तो। घर में किसी को बुलाने से पहले माँ को बताना तो चाहिए। आ जाओ बेटा, बैठो। आ जाओ, आ जाओ भाई, बैठो। बैग को नीचे रख दो। देखो जो बनाया है वही खिला सकती हूँ, खाओ, शर्माना मत। कहाँ तक पढ़े हो तुम? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। स्कूल? मेरे बेटे ने भी स्कूल में पढ़ाई छोड़ दी। कोई नौकरी वगैरह करते हो या नहीं, या ऐसे ही गांव में घूमते फिरते रहते हो? Actually, that is a business school, so... अरे बाप रे, इंग्लिश इस गांव में किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आती। खाओ बेटा खाओ। अरे ये कैसे खा रहे हो बेटा, ठीक से खाओ। देखो मेरा बेटा कैसे खा रहा है, खाओ खाओ। मैं थाली उठाती हूँ। यहाँ टिश्यू पेपर नहीं है क्या? शायद इस बैग में होगा। ये क्या है? ये तुम्हारे पास कैसे? दरअसल ये मेरे पापा के बैग में था। बेटा, तुम्हारे पापा का नाम क्या है? गोपी कृष्णा। गोपी? गोपी कृष्णा? अरे तो तुम गोपी कृष्णा के बेटे हो? हाँ। गोपी? मेरे पापा का नाम सुनते ही उस औरत के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। बचपन की सारी यादें उसने मेरे साथ शेयर की। मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मेरे पापा के बचपन के दोस्त को यूं ढूंढते हुए यहाँ तक आना मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मेरे पिताजी जो भी काम करते थे उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई वजह होती थी। वो इतनी दूर यहाँ तक आए, इसके पीछे भी कोई वजह ज़रूर होगी। वाओ, कितना अच्छा है ना। चॉकलेट खाएंगे ना? नो थैंक्स। ओह, शुगर है क्या? तो फिर? ओहो, अच्छा समझ गई। मिसिंग योर सन। आ जाएगा अंकल, आप उसे इतना मिस कर रहे हैं, तो वो मिल जाएगा। सच में इकलौता बेटा है ना, अचानक। मैं भी इकलौती हूँ, मेरी मम्मी पापा को भी इसी तरह तकलीफ हो रही होगी ना। रो मत बेटी, सब ठीक हो जाएगा। एक बार उन्हें फोन कॉल करके बात कर लोगी तो दिल हल्का हो जाएगा। अच्छा, इतना इजी है क्या? हाँ। तो फिर आप क्यों इतना दुखी हो रहे थे? हाँ? हम सोचते हैं मगर वैसा होता नहीं है। हमारे हाथ में नहीं होता अंकल, हम कुछ बदल नहीं सकते, इसलिए याद करके इस पल को बेकार मत कीजिए। हाँ, पार्टी करेंगे क्या? हाँ?
बोलिए। तुम तो मुझे यहाँ पर लेकर आ गई, पर पता नहीं वो इस वक्त कहाँ पर होगा। उसे इस तरह से छोड़कर आ गया हूँ, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचता होगा, कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। देखते। वैसे तुम क्या कह रही थी? सो गई बेचारी। मोबाइल में सिग्नल ही नहीं है, कैसे कांटेक्ट करूं? एक्सक्यूज मी, क्या मैं फोन कर सकता हूं? बोर्ड नहीं देखे कहा, प्रीपेड है, 100 रुपया दो आप फोन करो। देखिए बात समझने की कोशिश कीजिए, कुछ अर्जेंट है। तो ठीक है, नोट दीजिए, कर लीजिए। सर मैं और मेरे पापा यूएस में रहते हैं, कुछ दिन पहले यहाँ आए, और अब यहाँ पर ना तो फोन में सिग्नल है और ना ही एटीएम में कैश है, मेरे पास पैसे भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मेरी वॉच ले लीजिए या फिर मेरा मोबाइल फोन रख लीजिए। घड़ी मोबाइल से कोनो मतलब नहीं है, पैसा दो अब फोन करो। देखिए आपको बाद में जितना चाहिए मैं आपको दे दूंगा, प्लीज मुझे एक कॉल करने दीजिए। क्या हुआ? गो। थैंक्स। हे, अंदर तो कोई फोन ही नहीं है। तुम्हारे पास है? हाँ है। निकालो, सिग्नल है क्या? नहीं है। अब अंदर जाओ। सिग्नल आया का? हाँ आ गया। तो अब बात कर लो। बात हुई आपकी? नहीं बात नहीं हुई, इंगेज्ड आ रहा है। ओह, दोबारा ट्राई कीजिए। हाँ मैं बाद में कर लूंगा। आप सर अपना फोन देंगे? श्योर। एक मिनट। हेलो मैडम। हेलो रम्या, मैं अंजलि। कहाँ है तू? ये बताओ कॉलेज की रीओपनिंग कब है? 2 वीक के अंदर ही रीओपनिंग है। ठीक है मैं आ जाऊंगी, मेरे घर से फोन आए तो मैनेज कर लेना। ओके। थैंक्स। इट्स ओके। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, और तब मुझे लगा कि जिसने मेरी मदद की है क्यों ना मैं उसे ही फॉलो करूं। हे स्टॉप स्टॉप स्टॉप। कूल कूल। क्या है, फॉलो कर रहे हो? नहीं मैं तो पास के विलेज में जा रहा था। ऐसा है? हाँ। ठीक है जाओ। हाँ। अब जाना था ना तुम्हें, जाओ। क्या यार वो जो तुम कर रहे हो ना उसे फॉलो कहते हैं। क्या बात है? देखिए आप मेरी प्रॉब्लम समझ नहीं पाएंगी, मेरा कार्ड भी काम नहीं कर रहा है। एक्चुअली क्या है, मैं और मेरे पापा यूएस से आए हैं। यूएस? मैं उन्हें समझ नहीं पाया और मैं अकेला ही होटल से निकल आया, और अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे मिलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब वो मेरे साथ नहीं है तो उनकी वैल्यू समझ में आ रही है। कौन है आपके पापा? उनका नाम गोपी कृष्णा है, यूएस में उनका बिजनेस है। गोपी कृष्णा? गोपी कृष्णा। वेट जस्ट अ मिनट, आई विल शो यू हिज पिक। ओह तो
तुम ही वो लड़के हो। ओ, मतलब कि तुम उन्हें जानती हो? If you don't mind, तुम मुझे वहाँ पर लेकर चलोगी क्या? क्यों नहीं, चलो चलो। बेचारे बुजुर्ग इंसान है तो सोचा कंपनी दे दूं, पर वो हर बार आपकी ही बात कर रहे थे। मैं तो एकदम बोर हो गई, इसीलिए मैं उनको छोड़कर चली आई। लास्ट टाइम इसी जगह मिली थी मैं उनसे। मुझे जीतने की बड़ी चाहत थी, हारना पसंद नहीं था और मैं बस जीतता चला गया। लेकिन मैं जिंदगी में पहली बार हारा हूं। मैंने जिंदगी में जो खोया है मैं उसको वापस पाना चाहता था। अब मेरी जिंदगी का मकसद वही था, इसलिए मैं चाहता था कि जिंदगी के आखिरी सफर में कार्तिक मेरा हम सफर बने। मैं जहां हारा था वहीं उसे खड़ा करके उसको जीतते देखना चाहता था। चलते हुए कभी पीछे पलट कर नहीं देखा कि कहीं गिर न जाऊं, इसलिए जीतने के लिए आगे बढ़ता चला गया मैं। तुम्हें अपनी तरह देखना चाहता था, इसलिए मेरे स्वार्थ ने मुझे ऐसा बना दिया। तुम मेरे हाथ से निकल जाओगे इसलिए नहीं, तुम्हारी जिंदगी बनाना चाहता था और इस सिलसिले में मेरे हाथ से बहुत कुछ फिसल गया। जिंदगी में पलट कर देखने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है, लेकिन मुझे मिला। मुझे अपनी गलती को सुधारने के लिए मौका मिला और उस गलती को सुधारने के लिए मैंने तुम्हें अपना हमसफर चुना है। शादी के बाद मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं दिया, लेकिन इस आखिरी वक्त में मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं इस बात का तुम्हें एहसास दिलाना चाहता हूं। गौतमी की भगवान के प्रति कितनी भक्ति थी ये तो आप जानते ही अच्छी तरह से। जरूर उसकी आत्मा कहीं आसपास ही होगी, आई एम श्योर। जिंदा थी तो उसके प्रति अपने प्यार का कभी इजहार नहीं कर पाया मैं। सुबह उठने के बाद हम एक दूसरे को देख के मुस्कुराते थे, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे सच्चाई नहीं थी। सच्चाई तो हमारे बचपन में थी और आज मैं वही खुशी देखना चाहता हूं तुम्हारे चेहरे पे। कलीम पाशा मेरा दोस्त, आज मैं जो कुछ भी हूं, मेरा जीके ग्रुप सब उसकी वजह से ही है। उसकी सहायता से ही मैं यूएसए पहुंचा, पर वहां जाने के बाद मैं उससे कभी नहीं मिला। उसके लिए मुझे माफ कर दो दोस्त, बहुत बड़ी गलती की मैंने, माफ करेगा ना मुझे? कलीम पाशा, कितना देर से इंतजार कर रहे हैं मालूम है? भी ना। अरे गोपी कैसा है? चालू हो गए, दिखा क्या है, निकाल। कहा कर रहा है? हम सब छोड़ दिए हैं, उसको दे। जानता है क्यों छोड़े हैं? गोपी मोटा हो रहा हूँ ना, कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना। अरे पहले वो टुकुर टुकुर ताक रहा है उसको पिलाओ, फिर हमको देना, नहीं तो पेट में दर्द होगा। अच्छा रुक, हम सोडा मिलाते हैं तो उसका नजर कट जाएगा। अब सूट करेगा। एक ही पैकेट लाया क्या? चीयर्स रे गोपी। क्या अजीब आदमी है ये गोपी, कौन है इसका उससे क्या लेना देना है? शाम होते ही पागल हो जाता है, नॉर्मल आदमी नहीं है, बहुत ही खतरनाक आदमी है। अभी शुरू हो जाएगा, समझ रहे हो ना? दिख रहा है ना? क्यों रे? तुमको इतने दिन के बाद हमारा याद आया है? इतने दिनों का अपना दोस्ताना तुम ऐसे भुला के चले गए थे। बचपन में जब शंकरवा तुमको कलुआ बोला था तो हम उसका कपार फोड़ दिए थे। तुम्हारी वजह से पढ़ाई छूट गई, आईपीएस की नौकरी छूट गई और तुम फौरन चले गए। इस जंगल राज में हमारा जिंदगी खराब हो गया, ऐसा नौकरी से तो मौत बेहतर होता है। बाप रे। ए नरसिंह, अरे समझाओ रे इसको। उसको क्या पता सर? तुमको पता है टकले? तन इधर आओ। नहीं ठीक है ठीक है, बोले ना आओ। ये गोपी जो तुमको दिख रहा है ना, वो हमारा दोस्त है, उसको जो बोलेंगे हम बोलेंगे, उसको मारेंगे काटेंगे चाहे गाली देंगे हम करेंगे, तुम्हारा कोई हक नहीं है। चलो भाग यहाँ से। मेरे पास पैसे नहीं है तो अभी जो भी खर्चा होगा वो मैं दे दूंगी, तुम पापा के मिलने के बाद दे देना। देखो ऑटो आ गई।
उसकी बातों में एक मैजिक था। मुझे लड़कियों से मिलना, उनसे बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब मुझे जरा भी टेंशन नहीं हो रही थी, मैं उसकी बातों को एंजॉय करने लगा था। एक नई जर्नी शुरू हो गई थी। लेट्स सी क्या होता है। क्या हुआ भाई? एक्सीडेंट सर। एक्सीडेंट? एक्सीडेंट? ओह शिट। अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो, उठाओ इन्हें। आराम से चलो। उठाइए उठाइए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब ये ठीक है। अपनी जिंदगी में पहली बार एक अनजान इंसान के लिए मैं परेशान हो रहा था। सुनो शायद कोई आ रहा है। काका दरअसल बात यह है कि इस गांव में हम नए हैं, क्या यहाँ पर कोई होटल वगैरह है जहाँ पर हम रात गुजार सकें? बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। बेटा गांव में होटल नहीं होते हैं, अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो मेरे घर पे रात गुजार सकते हो। लेकिन फिकर की कोई बात नहीं, ज्यादा सोचो मत, चलोगे ना? चलो आ जाओ, चलो मेरे घर चलो। लेकिन काका अरे काहे इतना सोच रहे हो, चलो ना, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ए संभाल कर। महालक्ष्मी, ओ महालक्ष्मी, इन्हें जरा अंदर बिठाओ, मैं अभी आता हूँ। हाँ एक बात बताओ, मेरे पिताजी मुझे यहाँ पर लेकर आए, उसके बाद वो गायब हो गए और तब से मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारी कहानी क्या है? पंद्रह दिनों के लिए कॉलेज से सस्पेंड कर रही हूँ। थैंक यू। हॉस्टल से भी। थैंक यू वेरी मच। इसे प्लीज यहाँ से जाने के लिए कहो। अंजलि चलो यहाँ से। क्या हुआ? ये कॉलेज मुझे पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं आया? यहाँ के टीचर्स, लेक्चर्स, एग्जाम्स, मुझे कुछ पसंद नहीं है। तू करना क्या चाहती है? बस मैं किसी का गला दबाकर मारना चाहती हूँ, बस ये नहीं कर पा रही हूँ। वो ऑलरेडी गुस्से में है, उसे और गुस्सा मत दिला। तू करना क्या चाहती है? फ्लाई। अरे यार कुछ समझ में आया ऐसा बोल। ये एजुकेशन, रिस्ट्रिक्शन, टेक्नोलॉजी, ये सब छोड़कर बिल्कुल अकेली खुश रहना चाहती हूँ। अब तो मैं बस लाइफ को और नेचर को एंजॉय करना चाहती हूँ। रोड ट्रिप रख ले। Why should boys have all the fun? नेचर को एंजॉय करते हुए मस्त घूम रही हूँ मैं। बोर हो गई थी लाइफ से, इस फेसबुक से, इस व्हाट्सएप से। ह्यूमन लाइफ से ओरिजिनलिटी खत्म हो गई थी। एक काम करते हैं, उसे फॉलो करते हैं। अबे चोर पकड़ा गया। कहाँ जा रहा था? अरे कौन हो भाई तुम लोग? ये छोड़ो, छोड़ो छोड़ो इससे। अरे क्या कर रही हो? चोर कहीं का? अरे छोड़ो ना भाई, पकड़ में आ गया। छोड़ो मुझे, तुम बचोगे नहीं। छोड़ो भाई। इसका क्या चुराया तुमने? कैश सब 100 की हैं। यही यही ये लो सर, इनके पास से प्लेट। प्लेट ये लीजिए। चोर कहीं का? आप आइए सर, आपका क्या है? ये सारा सोना मेरा है भाई। ओह गॉड, ये लीजिए, समझ गए। ये भी रखिए। ये अंगूठी भी मेरी है भाई। एक थप्पड़ खींच के दूंगा ना, चोरी करता है शर्म नहीं आती? एक मिनट, आपके पास बहुत सोना है ना? हाँ, ये छोटी सी अंगूठी छोड़ दीजिए ना। छोटी हा? छोटी भाई निकालो। सीधी करूंगी। तेरी दुकान पता है मुझे। जा। चलता हूँ सर, चलता हूँ। दिन रात मेहनत करके, कितनी तकलीफ उठा के, दीवार चढ़ के, कुत्तों से बच के, मैंने कितनी मेहनत से चोरी की, अपनी जान पे खेला मैं, और तूने सबको बटवा दिया। मेरे पेट पे लात मारी है तूने, कभी सुखी नहीं रहेगा। साढ़ का तेरा बड़ा हो गया है, मेहनत करके नहीं कमा सकता क्या? चलेगा
हर कोई लेक्चर ही देता है। ओ हीरो, अब वापस क्यों आया? ओ सूट बूट और ये ब्रांडेड टी शर्ट पहनने से कुछ नहीं होता। पर्स देखो, इसमें 5 रुपए भी नहीं है। देखो तूने इसकी चोरी कब की? इस कार्ड वार्ड का मैं क्या करूंगा, रख लो इसे। पता नहीं किसका मुंह देख के चोरी करने निकला था। हम चलते हैं काका। ठीक है बेटा, ये लीजिए। रात में आपने जो साइकिल गिरवी रखी थी, आपके रिश्तेदार की वजह से मेरा सोना वापस मिल गया, मेरी इज्जत बच गई, इसीलिए आपकी साइकिल आपको वापस दे रहा हूँ। राम राम, जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। शुक्रिया। कोई रिश्ता नहीं था हमारा, फिर भी रात का खाना खिलाने के लिए उन्होंने अपनी साइकिल गिरवी रख दी। अरे जाने मन, हम तो शराब छोड़ दिए हैं, ये हमरा खातिर थोड़े ना है। तो फिर ये किसके लिए लाए हैं? अरे ये तो हम गोपी के खातिर। ए रुक, ए अशोक दिख नहीं रहा है। अरे अशोक मियाँ, अशोक मियाँ। आ रहा भाई। अरे घर पे हो कि नहीं भाई? अरे आ रहा हूँ, जरा रुको तो। अरे जल्दी बाहर आओ भाई। क्या मियाँ, खैरियत है ना? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, सब ऊपर वाला का दया है। अच्छा अशोक मियाँ, वो गोपी कुछ पैसा मनी ऑर्डर किया है क्या? उसके जाने के बाद कोई खबर नहीं है उसकी। अरे अब क्या बताएं मियाँ, हम अपने अब्बा जान के सामने हाथ जोड़ के उसके लिए पैसा मांग के उसको दिए थे। अब ना पैसा भेजता है ना कोनो लेटर भेजता है, ऐसा होता है कमिया। देखिए हम आपको बता रहे हैं, हमारे अब्बा जान उसको भूल सकते हैं, लेकिन हम उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। तो क्या करोगे? अगर मिल गया ना तो हम उसका टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। हमारा जिंदगी बर्बाद कर दिया, अब्बा जान को क्या बोले बताइए? दोस्त के नाम पे कलंक, पैसा लेके भाग गया हमारा। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। इतने सालों के बाद तुमको हमरा याद आया है। तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, इसलिए मैं सॉरी बोलने के लिए। वो सब छोड़ो, तुमको देख के कलेजा गदगद हो गया। सारा हा? देखो कौन, गोपी हमारा भाई। देखो कितने सालों के बाद हमारे घर आया है। तुम खड़ा खड़ा क्या कर रही हो? जाके कुछ मटन वटन बनाओ। हाँ, हाँ, जल्दी जाओ। हाँ, ना बैठो। ये मेरा दोस्त है, हम कलीम पाशा, एसआई। तुम्हारा तो सब बाले सफेद हो गया। तेरी तरह कलर नहीं करता हूँ ना। चीयर्स। ये क्या है? खुशी में नीटे पी गए, बहुत खुश है ना। एक्सक्यूज मी, कलीम पाशा जी का घर यही है क्या? ये है, अभी वो पुलिस स्टेशन गए हैं। ओह, अच्छा क्या उनसे मिलने यहाँ पर कोई गोपी कृष्णा जी नाम के आदमी आए थे? वो तो कल आकर चले गए। वी आर लेट। आप कौन? दरअसल मैं उनका बेटा हूँ। अब क्या करें? तो ठीक है, हम चलते हैं फिर। थैंक यू सो मच। तुम्हारा नाम क्या है? नाम पूछ रहे हो? हाँ। जरा पलट। पलट? पलट ना। ओके। जब तक मैं ना बोलूँ पीछे मत देखना, तुम्हारा लक चेक कर रही हूँ, ठीक है? ओए, देखो। बेटर लक नेक्स्ट टाइम।
ए मिस्टर, क्या है? क्या हुआ? ए, क्या कर रहे थे तुम? म्यूजिक एंजॉय कर रही हूँ, मणिरत्नम की लोकेशन एंजॉय कर रही हूँ, और तुम क्या कर रहे हो? डीडीएलजे के शाहरुख की तरह चांस मार रहे हो? हाँ, हम एक दूसरे को जानते हैं, तुम मेरी फ्रेंड्स हो, तभी हम साथ में बैठे हैं, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या बोला, क्या बोला तुमने? मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मेरा नाम बताओ। अजीब है यहाँ, खुद को पता नहीं क्या समझती है, ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो मुझे जानती ही नहीं है। उसके साथ बिताए पल मुझे बार बार याद आ रहे थे और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। उस रात मेरे साथ पता नहीं क्या हो गया था, मैं रात भर सो ही नहीं पाया, बस उसका चेहरा ही मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। लाइफ में आज तक किसी को भी सॉरी नहीं बोला। तुम्हारा जैकपॉट लग गया। सुनो, दूसरों की फीलिंग्स तुम नहीं समझती हो ना? अच्छा, बाप रे, फीलिंग्स भी हैं? क्या फीलिंग्स हैं? हाँ, बोलो। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? एक खूबसूरत लड़की तुम्हें समझा रही है, तो समझना चाहिए ना। हेलो हेलो, नो गर्लफ्रेंड्स? ए, अब भी समझी? अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ला 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 ला। क्या बात है, अभी तक गुस्सा खत्म नहीं हुआ। साइबर कैफे? एक्सक्यूज मी, यस, कैन आई हैव अ सिस्टम प्लीज? पहले वाले में चले जाओ। थैंक यू। हे नील, व्हाट्स अप मैन, व्हाट्स हैपनिंग? थैंक गॉड, इतने दिनों बाद कम से कम बात तो की। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करना बहुत मुश्किल हो गया। जीके जी मुझे गाइड करेंगे मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन उनसे बात ही नहीं हो पा रही है मेरी। क्या डिसीजन लेने से क्या रिजल्ट आएगा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। What? ये तो पक्का है, स्टॉक मार्केट में हमारी कंपनी के शेयर वैल्यूज हर रोज गिरती जा रही है। हमारी कंपनी के नाम से अब लोग डरने भी लगे हैं कार्तिक। Yeah.
बस छोटी सी प्रॉब्लम है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सही टाइम पर डिसीजन ले लेता तो ये नहीं होता। ठीक है, पहले पापा को ढूंढता हूँ, सारे प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएंगे। अब ये कहाँ चली गई? मेरे पास ही तो खड़ी थी। एक्सक्यूज मी बॉस, आप कहाँ तक जा रहे हैं? सिटी हॉस्पिटल। क्या आप मुझे सिटी तक ड्रॉप कर देंगे प्लीज? हाँ, पहले गाड़ी स्टार्ट करवा दो। आ जाओ, बैठ जाओ। थैंक्स थैंक्स बॉस। Thank you. Oh God. इतने दिनों तक आपने अपनी बीमारी के बारे में क्यों नहीं बताया? बता देता तो क्या करता? लेट्स गो डैड, लेट्स गो बैक। वहां बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, आप फिर से ठीक हो जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे डैड, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पर मुझे अब यही रहना है। यहां से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मैंने जो गलतियां की हैं उन सबको अब सुधारना है। जिम्मेदारियां हैं, समय कम है, करना बहुत कुछ है कार्तिक। डैड, डैड, आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि मॉम होती तो अच्छा होता। हाउ कम आज सडनली तुम्हें अपनी माँ की याद आ गई? क्या बात है? कुछ भी तो नहीं, सो जाइए, आपको आराम की जरूरत है। सच में सो जाऊं? अरे आप सो जाइए, सो जाइए। कल सुबह उस लड़की का नाम बता देना मुझे। I'm sleeping. Good night. हम लोग हमेशा सपनों के पीछे भागते हैं, लेकिन कभी कभी सपने हमारे पीछे आते हैं। उस लड़की के बारे में मैं जितना भी बताऊं उतना कम है। I miss her dad. Really. I miss her. लड़की का नाम नहीं बताया अभी तक तुमने? वो तो अपना नाम बताए भी नहीं चली गई डैड। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, ये लोग दरवाजा खोले बिना हमारी जिंदगी में चले आते हैं। लेकिन ये लोग चले जाएं उससे पहले हमें ये दरवाजा बंद कर लेना चाहिए, नहीं तो ये लोग हमारी आंखों से ओझल होकर यहाँ हमारे दिल में यहाँ कांटे की तरह चुभते रहते हैं हमेशा। इसीलिए बोल रहा हूँ तुमसे, लेकर आओ उस लड़की को। नो डैड, इस सिचुएशन में मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे जाने के बाद? डैड, मेरे जाने के बाद चल जा। ए, चल जा डैड। Thank you.
ए, बराबर से लगा ना। लगा तो रहा हूँ। कितनी बार बोलूं तुझे। हाँ, बराबर से कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, चल अंदर जा। ओ वहाँ क्या कर रहा है, इधर आ। आपको पहचाना नहीं, पहले तो कभी नहीं देखा। एक्चुअली मैं मेम साहब की शादी के लिए आए हैं, फ्रेंड है उनके। जाइए जाइए अंदर जाइए, सभी लोग अंदर हैं। शादी बताने के लिए आए हो? मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। इतने दिनों के बाद? तुम्हारा नाम और तुम कहाँ पर रहती हो मुझे कुछ पता नहीं था। बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा, लेकिन लेट हो गया। अभी क्या करना चाहते हो? शादी करना चाहता हूँ तुमसे। इतना इजी नहीं है, घर वाले इसके लिए राजी नहीं होंगे। तो इसमें क्या है, परिचय करवा दो, सबको राजी कर लूंगा। इस वीक में दीदी की शादी है, घर पे लेके चलती हूँ, सबको राजी कर लो फिर देखते हैं। चलो आओ। अरे ये है हमारा वृंदावन, कैसा है? एक्चुअली यू नो सॉर्ट ऑफ ए, एक्स्ट्रा कुछ मत बोलो, बहुत अच्छा है बोलो। ठीक है, बहुत अच्छा है। बेवकूफ कहीं के। वो वहाँ मम्मी, okay. मम्मी 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 ये लड़का कौन है? फोटोग्राफर। पर ऑलरेडी किसी को बुला लिया है ना? वो नहीं आएगा ना। क्या? अरे हाँ डी, वो आ नहीं पाया, उसने मुझे फोन करके बताया कि वो नहीं आ पाएगा, फिर मैंने सारा काम छोड़ के फ्लाइट बुक किया और यहाँ पर आ गया। पर हमारे गांव में तो एयरपोर्ट ही नहीं है। हाँ, फिर मैंने एयरपोर्ट से कैब बुक किया और फिर मैंने उसे यहाँ का एड्रेस दिया और मैं यहाँ तक आ गया। पर तुम रहोगे कहाँ? मैं तो किसी भी होटल में। ऊपर। ऊपर कहाँ? स्टोर रूम। स्टोर रूम? परेशान मत होइए मम्मी, एक चादर, एक चटाई, एक तकिया देंगे, बस हो जाएगा। पेमेंट भी बहुत कम है इसकी। आइए। क्या है? आइए तो, इसे कहीं से उठा कर लाइए। इसको देखकर लगता नहीं है। सच में उठा कर नहीं लाई है, इसे अपने साथ लाई है। डैडी। ये टीवी सीरियल का प्यार मुझसे नहीं देखा जाता। देखो मम्मी की आदत नहीं जाएगी। पर इस लड़के को मैंने कहीं देखा है, जाने दो। हेलो सर, नाइस टू मीट यू। कार्तिक, मेरी डैडी, मेरी बेस्ट फ्रेंड। इसे पानी वाने पिलाओ, कैरी ऑन। यस श्योर सर। चलो जल्दी चलो। मौसी, मौसी। क्या है? फोटोग्राफर। हाय। फोटोग्राफर अजी, सुनिए जल्दी आइए। आ रहा हूँ। फोटोग्राफर आया है जी। ठीक है, मैं फोटो खींचता हूँ। अभी नहीं, शादी में। शादी में? मौसी, कार्तिक, कार्तिक, मौसी। हाय। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, चलो। मुझे भी आपसे मिलने का मन कर रहा है, पर घर वालों को पता चल गया तो थोड़ा मुश्किल है, पर हम मिल सकते हैं अगर। अच्छा सुनो, मैं बाद में बात करती हूँ। रुको। अरे क्या है, पागल है क्या? छोड़, फोन पे बात कर रही हूँ। सुनो, हेलो। बाय। हाँ, शैतान कहीं की। देख फोन दे। क्या है? अरे क्या हुआ? चलो ना, डरो मत, नाटक चलो मेरे साथ। चलो दीदी, चलो ना, डरो मत, चलो मेरे साथ। सब कुछ मैं बाद में बताती हूँ, पहले चलो। जब तक मैं ना बोलूँ आंखें मत खोलना, ठीक है? हाँ अब आंखें खोलो। हेलो। Thank you.
मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। तुम्हारी आवाज से लग रहा है तुम भी बहुत अच्छे हो। तुम्हें जहाँ पहुँचना था वहाँ तो पहुँच गए हो ना? हाँ डैड। डैड एक बात बताओ, ये प्लेस, ये लोग, इनकी बातें, सब कुछ यहाँ पर कुछ भी नया नहीं लग रहा है। आई फील लाइक इट्स सो फेमिलियर। इसे ही तो रिलेशनशिप कहते हैं। तुम जिस काम से गए हो तुम उसे पूरा करोगे, मुझे पता है। जस्ट वन थिंग कार्तिक, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। सेक्रेटरी जी। मालिक, ये आसमान इतना लाल क्यों है? लगता है किसी ने खून से लाल कर दिया और सूरज हमारी तरफ देख रहा है। ये लाल और पीले रंग में कितना डिफरेंस है। बिल्कुल वैसा जैसे किसी अच्छे और बुरे इंसान में होता है। तू जल्दी पैक तैयार कर। ठीक है मालिक। क्यों रे, इतना स्ट्रॉन्ग पैक क्यों बनाया? मैंने तो नॉर्मल पैक बनाया मालिक। मुझे बेवकूफ समझ रखा है तूने। नॉर्मल बनाया स्ट्रॉन्ग बनाया ये तू मुझे सिखाएगा? चल शादी में चलना है। क्या बात है भाई, तुम इतने लेट हो गए? अरे तुम टेंशन मत लो, एंट्री लेट है लेकिन एंटरटेनमेंट फुल होगा। नमस्ते मामा जी, कब है? बस अभी आया, अब मैं आ गया हूँ ना, सुपर हिट होगी शादी। नमस्ते, आइए ना। आइए, नमस्ते, बैठिए। यार ये तो गजब है, दिन ब दिन जवान होती जा रही है, इससे बात करनी पड़ेगी। मालिक ऐसा कर पाएंगे क्या? तू मुझे जानता नहीं है। ठीक है फिर, लगे देख मैं कैसे लाइन मारता। अरे सुनो, क्या हुआ? गर्मा गर्म कॉफी मिलेगी? तेरी टाइमिंग बहुत गंदी है रे। ये देख, यहाँ पर सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हाँ? जरा सबको देख तो, सब लोग अपनी वाईफाई के साथ सेट हो गए हैं और हमारे पास एक भी सेटअप नहीं है। मुझे फौरन एक सेल्फी लेके फेसबुक पर डालनी है, मेरे फैंस वेट कर रहे होंगे। जरा पूछ तो वाईफाई है क्या? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अबे वाईफाई दिखाई नहीं देता, पूछना पड़ता है। ये देख कौन आ रहा है, हाफ पैंट में और शक्ल से भी नौकरी लग रहा है। ए इधर आ जरा। हाँ मुझे बुला रहे हैं क्या? तुझे बुला रहा हूँ। हाँ बोलिए। वाईफाई है क्या? हाँ है ना। यूजर आईडी क्या है? जरूरत है क्या? यूजर आईडी पूछ रहा हूँ तो बोल रहा है जरूरत है मुझे। यूजर आईडी बोल रहा जरूरत है क्या? इससे बकवास। ओहो चल गुस्से में मार दिया। बिल्कुल बुरा मत मानना बेटा। बुरा मान रहा है क्या? अच्छा चल पासवर्ड बता। नहीं बताऊंगा। तुझसे पासवर्ड पूछ रहा हूँ तो बोल रहा नहीं बताऊंगा। नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। पासवर्ड ही है ये, नहीं बताऊंगा। ओहो बेटा बुरा मत मान, कुछ जरूरत होगी तो बुलाऊंगा। हाँ अभी तू जा। मारने के लिए क्या? क्या चुम्मा लेने के लिए? चल रे कनेक्ट करना। जी मालिक। क्या कर रही?
जो पास में खड़ी है कभी उसके बारे में भी सोचो। ये खुशियां सब तुम्हारी वजह से हैं। अब चाहे मेरे घर वाले माने या फिर ना माने, हमारी शादी जरूर होगी। बिल्कुल नहीं, मैं तो मना कर ही शादी करूंगा। इतनी अच्छी फैमिली है, मुझे तो बस इनका दिल जीतना है, दिल तोड़ना नहीं है। तुम बहुत अच्छे हो। सोच रहा था हमारी ऐसी फैमिली क्यों नहीं है डैड। मैंने हर बात अपने बेटे को बताई लेकिन आज तक एक बात उसे नहीं बता पाया, नहीं बता पाया, शायद कभी बता भी नहीं पाऊं। मेरी भी एक फैमिली है उस बारे में, जिस फैमिली को मैंने खुद अपने आप से दूर किया, उस फैमिली के बारे में उसे नहीं बता सका। चाहता हूं कि यह फैमिली बस इसकी हो जाए, उसका फ्यूचर खुशी से गुजरे, फिर मैं आराम से आंखें बंद कर सकूंगा। जरा रुको तो। हाँ, तुम्हारे पिताजी ठीक है ना? मेरे पिताजी? हाँ, तुम्हारे पिताजी। उनको मरे हुए 10 साल हो गए। क्या कहा? तुम्हारे पिताजी मर गए? अरे रे, बहुत दुख हुआ। पागल कहीं का। क्या जमाना आ गया, तसल्ली दे रहा हूँ, कह रहा पागल कहीं का। हाँ, आजकल तो किसी को तसल्ली भी नहीं देनी चाहिए। अरे कहाँ गया? आजकल तो मेरा कोई भी आइडिया काम नहीं कर रहा है। चल एक पैक दे जल्दी। मालिक, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अरे तू पहले पैक पिला, उसके बाद ही तो दिमाग चलेगा। मैम साहब, कॉफी लीजिए। आप ससुराल चली जाएंगी तो मेरे हाथों की कॉफी नहीं मिलेगी आपको। नो थैंक्स। लगता है तुम बहुत बड़े फोटोग्राफर हो। एक सेल्फी खींचोगे? सेल्फी खींच नहीं आती, ली जाती है। अच्छा, सेल्फी ली जाती है। चलते हैं। अरे तू कहाँ जा रही? मुझे बहुत सारा काम है, सामने से हटो। तो काम जल्दी खत्म करके आ जाना, मैं यहीं मिलूंगा। इसका गुस्सा तो बड़ा तेज है लेकिन है सच में कमाल की। कमाल की नहीं, कटार की। मालिक, मौका मत छोड़ो, लाइन में लगा लो, बहुत मूड में हो आप। अब तू मुझे बताएगा कि लाइन में कैसे लगाना। चल। Thank you.
कहाँ हो सकती है? यहाँ पर। कहाँ रखी थी? ये रखी थी। मिली क्या? कहाँ हो सकती है? पता नहीं कहाँ है। हाँ, ये देखो। मिल गई क्या? इतने सारे लेटर्स? क्या है ये सब? हाँ, देखते हैं इसमें। भैया कैसे हो आप? हाँ? भैया कौन? ये किसके बारे में है? इतने सारे लेटर्स हैं, पोस्ट भी नहीं किया, एड्रेस भी नहीं है। कॉफी। मैं, क्या हुआ? मैं फोटो okay, निकल रहा था। हाँ। हाँ। अंजू, कल रात तुमने यहाँ किस किया था और आज यहाँ पर कोई आसपास है भी नहीं, तो क्या तुम मेरे होंठों पर किस कर सकती हो? जाओ अंजू, प्लीज यार, प्लीज जाओ। रात भर मुझे नींद नहीं आई अंजू, प्लीज अंजू, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे कोई देख लेगा, यहाँ आसपास कोई है भी नहीं। अंजू प्लीज यार, प्लीज प्लीज, एक किस, एक किस। ठीक है, इधर आओ। शैतान कहीं की। जाओ तुम अंदर जाओ। मैंने कहा अंदर जाओ। क्या चल रहा है इस घर में ये? हाँ, घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती क्या? चल क्या रहा है इस घर में बता। अंजलि तुम अंदर जाओ। माँ पर ये तो रुक जाओ। दीपू जरा लड़के को रोकना। तो अभी रोकती हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हारी शादी हो गई क्या? ऐसा टुकुर टुकुर क्या देख रहा है? सब्जी मंगवाना। अरे सब्जी इधर लग रहा है। चाहिए होगा तो बताना। सांभर चाहिए क्या? ये लीजिए। हाँ, डालो डालो, कड़ी डालो। इसमें कड़ी नहीं, सब्जी है। तो क्या हुआ, वही डाल दो। लीजिए ना, खाइए। अरे सुन, मेरी शादी में भी खाने वालों को यहीं बुलाना पड़ेगा। क्या बताऊँ, यहाँ मुझे खाने को बहुत अच्छी सब्जी मिलेगी। देखिए, आराम से खाइएगा, कहीं गले में ना फंस जाए। बताना चाहिए था ना, मैं खा रहा था। तो इसे अब तू ही ले। ठीक है। सांभर चाहिए क्या? इसके सर पे डाल दे, मुसीबत टल जाएगी। अरे बापरे। मम्मी और मौसी ने नानी से बात की है, दीदी की शादी होने तक रुके हैं, उसके बाद वो लोग पापा से बात करेंगे। सच में? थैंक्स बोलने के लिए आए हो। ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। मगर मगर दादी माँ, आप मुझे इतना अच्छा समझती हैं, ना मेरी
कोई जान पहचान है ना कोई रिश्ता है आपसे, फिर भी इतनी इज्जत दे रही है मुझे, और इस तरह से आप 25 साल तक यूं ही। सॉरी दादी माँ, मैंने आपको शायद कुछ ज्यादा ही हर्ट कर दिया होगा। हर औरत की जिंदगी में तीन पुरुष आते हैं बेटा, सबसे पहले अपने पिता, फिर दूसरे पति, और तीसरा कोख से जन्म दिया हुआ बेटा, मेरे पति परमेश्वर राव जी। वो हमारे घर के ही नहीं, पूरे गांव के लिए भगवान थे। शहर की हवा गांव की तरफ रुख करने लगी थी। शहर के वातावरण में रहकर लोग गांव में भी खेती बाड़ी करने लगे थे। लोग इंडस्ट्रीज के जरिए गांव को बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन मेरे पति ने इस गांव को और यहाँ की संस्कृति को बचाने के लिए दिन रात सोचने लगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम सबकी भलाई के लिए ये काम तो होना ही चाहिए। जहाँ पे हम लोगों को मंदिर की नींव रखनी चाहिए, वहाँ पे वो लोग फैक्ट्री बनाना चाहते हैं। आप ही बताइए, क्या ये उचित है? और वैसे भी हमारे गांव के लोग धीरे धीरे अपनी जमीन बेचते जा रहे हैं, अब कुछ तो करना पड़ेगा ना। देखो अंकल, हाँ बोलो। हर इंसान जिंदगी में खुशी चाहता है और चाहता है कि उसके बच्चे हमेशा उसके साथ रहें, है कि नहीं? हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे साथ रहें और साथ में हमारा गांव भी अच्छा रहे। कोई आकर हमारा कुछ बिगाड़े उससे पहले हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है, आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, ऐसी स्थिति में कुछ करना पड़ेगा जिसमें सबकी भलाई हो, ऐसा कोई रास्ता निकालिए। और आपके साथ तो आपका बेटा भी है। मैं अच्छा रहूं, मेरे लोग अच्छे रहे, ये सोच अच्छी थी। लेकिन वो सोचते थे कि लोग खुश रहे और उनकी खुशी की वजह मैं बनूं, उनका ऐसा सोचना था। इतने अच्छे इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी थी उनका बेटा। हर वक्त वो अपने बेटे के बारे में ही सोचते थे। जो इतनी दूर आया है वो घर के अंदर भी आएगा, क्यों परेशान हो रही हो? देखो कौन बोल रहा है, वो ही दरवाजे की तरफ देखते रहते हैं, वो भी चुपके चुपके। मामा मामा, देखो देखो देखो। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा उनकी जायदाद का वारिस बने, बल्कि वो चाहते थे कि वो उनके सपनों को पूरा करे। लेकिन कामाक्षी, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जिसने बचपन से सिखाया है उस परमेश्वर का बेटा है वो, मगर वो अपनी माँ जन्मभूमि को छोड़ करके आज जाना चाहता है। इतने सालों तक इतना बड़ा बोझ आपने खामोशी से कैसे सहन किया दादी माँ? ऐसे क्या देख रही हैं आप? अब तक मैं सोचती थी कि मुझे कोई नहीं चाहिए, लेकिन आज पता नहीं क्यों मैंने अपने दिल की सारी बातें तुझे बता दी है बेटा। क्योंकि आज से आप ये समझ लीजिए कि मैं आपका पोता हूं। We'll be right back.
अरे जल्दी जल्दी, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, जल्दी करो नहीं तो। अरे जरा सुनो। क्या है मामा जी? शादी हो गई है तो इसका मतलब चार सूटकेस और सामान देके विदा कर दोगे क्या? ये तरीका है तुम्हारा? पूछो ना। हाँ सही बोल रहे हैं, ऐसे भेजते हैं क्या? अरे 20 साल से इस घर में पली है और सबने उसे बहुत नाजों से पाला है और परमेश्वर जी की नातिन है वो। नए घर में जा रही है तो बच्ची डर नहीं जाएगी? पहचान के किसी नौकर चाकर या किसी जानकार को भेजना चाहिए ना, तो तुरंत इसका इंतजाम करो। सारा इंतजाम मैं अभी करता हूँ। चलो जल्दी करो। क्यों रे, कैसा है मेरा प्लान? प्लान अच्छा वर्कआउट किया है मालिक। हाँ? मेरा सारा प्लान चौपट हो गया और तू तो टुकर टुकर घूर रहा है। तू जाकर अपना काम कर, मैं इधर का काम संभालता हूँ। से पहली बार मिलने पर हाल चाल पूछना चाहिए ना। उन्होंने घर का दरवाजा बंद कर लिया, आप वापस जा रहे हैं। कोई ऐसे मिलता है क्या अपने मेहमानों से? दादी माँ सबको राजी करके यहाँ पर सबको मिलाने के लिए लेकर आई थी, फिर वो सब बिना मिले घर के अंदर क्यों चले गए? आखिर बात क्या है डैड? I'm really sorry. मेरे पाप इस तरह मेरे सामने आएंगे मैंने नहीं सोचा था। ऐसी जिंदगी जीऊं मैं ऐसी सोच रखता था, हर कोई ऐसा सोचता है एक समय में, पर मैं अपने सपनों को किसी भी हालत में पूरा करना चाहता था और इस कोशिश में मैंने अपनी पूरी जिंदगी को मिटा डाला। मेरे पिताजी ने मेरे भविष्य को देख लिया था, उन्होंने कहा था, कामाक्षी जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। बचपन से जिसने सिखाया उस परमेश्वर का बेटा है ये, फिर भी ये अपनी माँ जन्मभूमि को छोड़कर जाना चाहता है। इस घर का तो इकलौता है बेटा, घर के बारे में सोच, इनके सपनों के बारे में सोच। इनके सपनों को साकार करने के लिए यहाँ पर कोई स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं चल रही है माँ। एक तरह से ये भी एक लड़ाई है, हमारी भूमि हमारी संस्कृति को बचाना उनकी कश्मकश है बेटा, और इसमें उनका बेटा उनके साथ रहे ये उनका स्वार्थ है। इन्होंने ये सब सोच लिया और वो बिल्कुल सही है, मैं इनके साथ खड़ा रहूंगा। इन्होंने एक बार भी पूछा? मान लो अगर मैं पूछ भी लेता तो आखिर क्या कर लेता तू? वो अपनी जमीन बचाना चाहते हैं, वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन मेरे सपनों पर आप सब लोग पानी क्यों फेर रहे हैं? तुम्हारे सपनों का मतलब लाखों या करोड़ों? सिर्फ सपना, दुनिया जो आगे बढ़ रही है उन सब में आगे खड़े रहना मेरा सपना है। जो इस दुनिया में हो रहा है वो मैं अपनी मुट्ठी में रखना चाहता हूँ। उसके लिए गांव छोड़ने की क्या जरूरत है? आप लोग इस गांव में अटके हुए क्योंकि आप लोग की सोच पुरानी है। लोग पैसा कमाने के लिए आज देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं। इस दुनिया में इंसान मशीन की तरह आगे बढ़ता जा रहा है और आप मशीन में जंग लगाकर वहीं खड़े हुए हैं, ये बात गलत है। महालक्ष्मी वरलक्ष्मी, तुम्हारे भैया इस गांव को छोड़कर पूरी दुनिया को जीतने जा रहे हैं ये महाशय, इनको तिलक लगाकर विदा करो, ये आगे बढ़ो। इतनी छोटी सी बात को आप पहाड़ की तरह बड़ा क्यों बना रहे पिताजी? अरे गांव के लिए जीना, गांव के लिए जान देना इस जमाने में नहीं होता है। I'm sorry, I don't think like that, I can't help it. अगर माँ को देखने की इच्छा होगी तो मैं वक्त निकालकर यहाँ पर आ जाऊंगा। अगर बहनों से बात करने का मन करेगा तो टाइम निकालकर फोन कर लूंगा मैं, और अगर मैं कुछ बन गया तो जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा मैं इस गांव के लिए मदद करूंगा। सिंपल।
रुक जा, रुक। नहीं चाहिए तेरी कमाई दौलत हमें, अपनों के लिए जो समय निकाले वो समय नहीं चाहिए हमें। पर तू जिस रास्ते पर जा रहा है, अगर तुझे कभी ठोकर लगे और एहसास हो कि इस घर की तरफ देखना है तो मत देखना कभी इस तरफ। जानता है क्यों? क्योंकि उस वक्त तेरे प्यार और तेरी मदद की जरूरत किसी को नहीं पड़ेगी यहां पर। जा। बेटा, इंसान अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपनी मातृभूमि के लिए जीना ही जिंदगी है। केमिकल फैक्ट्री हमारी गोदावरी के पानी को खराब न करे, ये मेरी सोच। अपनी संस्कृति को जो हम सालों से चलाते हुए आ रहे हैं वो मिट्टी में ना मिले, यही मेरी कल्पना रही है हमेशा से, और उसी के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन त्याग कर दिया है। एक पढ़ा लिखा लड़का जब हमारी भावनाओं को नहीं समझता, हमारे सिद्धांत को नहीं समझता, अपनी मातृभूमि को नहीं समझता तो तकलीफ होती है। तब और होती है जब वो पैसा और भौतिकवाद की तरफ भागना शुरू कर देता है। उसे पढ़ाया लिखाया ताकि वो अपने गांव, अपने समाज, अपनी मातृभूमि के काम आ सके, इसलिए नहीं कि वो गांव छोड़कर चला जाए। वो सोचता है कि मैं अच्छा रहूं और मैं सोचता हूं कि सभी अच्छे रहें। हमारी पीढ़ियों की सोच में शायद यही सबसे बड़ा अंतर है। उससे पूछे बिना ही मैंने गांव वालों को जुबान दे दी और वो मुझे ही ठुकरा कर चला गया। मेरी जुबान ही मेरे लिए जान है, मेरी जान है, और वही मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूं। मैं अपनी जुबान पूरी नहीं कर पा रहा हूं, अपने वादे में पूरे नहीं कर पा रहा हूं। मुझे ये बात हमेशा सालती रहेगी। बहुत बड़ी गलती की है आपने डैड। आपने सोचा भी कैसे कि आप अपने अपनों को छोड़कर खुश रह सकते हैं? इस वक्त आपको मुझसे कहीं ज्यादा उन सब की जरूरत है डैड। सिर्फ आपके और उन लोगों के सोचने भर से आपके खून के रिश्ते कभी खत्म नहीं हो सकते। चलिए डैड, अंदर चलते हैं, चलिए, क्योंकि अगर ये अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं हो पाएगा। अंदर चलिए डैड। नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी कुछ नहीं सुनूंगा, अंदर चलिए चलिए। कार्तिक, वो लोग कुछ मत बोलिए। दादी माँ, आपने जो गलती नहीं की उसके लिए आपने अपने आप को सजा दी है, ठीक है, लेकिन मैंने जो गलती नहीं की उसकी सजा आप मुझे क्यों दे रही हैं? मेरा बेटा, हमेशा यही कहा, कितने प्यार से बुलाती थी आप मुझे, और जैसे ही पता चला कि मैं उनका बेटा हूं तो सारे रिश्ते ही खत्म कर दिए ना। बुआ जी, आपके भैया आपकी जान है, हमेशा यही कहने का मन करता था ना, आप उन्हें हमेशा यह खत लिखा करती थी ना। कोई खुशी हो, कोई दुख हो, घर की हर एक बात लिखा करती थी आप उसमें। एड्रेस नहीं मिला तो आपने से पोस्ट नहीं किया है ना। अब वही आदमी आपके सामने खड़ा है, अब तो आप उससे बात कर सकती हैं। छोटी बुआ, आप तो तब भी और आज भी इनकी वही छोटी बहन है जो कहती थी कि मेरा भाई जो कहेगा मैं वही करूंगी, कोई सवाल तक नहीं करती थी।
अंजू, जिंदगी क्या होती है ये मैंने तुमसे मिलने के बाद ही जाना है। अगर तुम मुझे नहीं मिलती ना तो मैं यहां तक पहुंच ही नहीं पाता। मेरी इतनी बड़ी फैमिली है, इस बारे में मुझे पता ही नहीं चलता। इतना सब कुछ सिखाया है तुमने मुझे, तो इन सबको भी सिखाओ ना कि अपनों को माफ कर देने में ही बड़प्पन होता है। ये बात इन्हें क्यों नहीं सिखाती? हाँ, मैं मानता हूं कि ये आपको छोड़कर चले गए थे, आपको याद तक नहीं किया, और उसके बाद क्या, आप लोग मिलकर रह रहे हैं। तब से मिलकर रहना मतलब एक घर में रहना नहीं होता, एक दूसरे के दिल में रहना होता है। मेरे डैड के दिल में आप लोग रहते हो ये बात मैं नहीं जानता। और रही बात मेरी, मुझे तो आप सबके बारे में पता ही नहीं था। ऐसी परवरिश हुई है मेरी, पर अब मैं जानता हूं कि आप सब मेरी फैमिली हैं और मैं आप सबके साथ में रहना चाहता हूं। लेकिन आप लोग मुझे जाने के लिए बोल रहे हैं, अकेले जीना बड़ी बात नहीं है। मैं हमेशा ऐसे ही जिया हूं और मेरे डैड भी ऐसे ही जीते आए हैं। इन्हें कभी भी आपकी कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन अब जब मुझे आप सबके बारे में पता है तो मुझे अब थोड़ा दुख हो रहा है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारे लिए तो हमारे रिश्तों से कहीं ज्यादा हमारी ईगो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में गलती करना नहीं बल्कि गलती करने वाले को माफ न करना सबसे ज्यादा बड़ी गलती है। बुआ जी, डैड फिर से उस फैमिली के मेंबर बन गए। उन्होंने अपना आखिरी समय अपने परिवार के साथ बिताया। अपना स्टेटस, अपनी दौलत, इनसे कहीं बड़ी चीज वो हमें देकर चले गए, और वो है उनकी याद जो हमेशा हमारे साथ रहेगी। थैंक यू डैड, प्यार से आपका कार्तिक। ए, अंजलि कार्तिक।